बच्चों, कक्षा 8 में आज हम भूगोल का तीसरा पाठ पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है भारत खनिज संपदा। इसमें क्या आपको मालूम है, पालक बथुआ जैसे अनेक साग सब्जियों में लोहा, तांबा खनिज पदार्थ मिलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक है। सोचिए, वनस्पतियों के अतिरिक्त और कैसे ये खनिज पदार्थ हमें प्राप्त हो सकते हैं? खनिज पदार्थ हमारे लिए और कैसे उपयोगी हो सकते हैं? आपके घर, घरेलू वस्तुएं, जिसमें चाकू, कैंची, बर्तन, चिमटा, गिलास, थाली आदि, पेचकस, साइकिल, हथौड़ी इत्यादि होते हैं। इनके साथ ही रेल इंजन, रेल पटरी, मोटर कार, तलवार, अस्त्र शस्त्र आदि अपने देखे होंगे। आपने कभी सोचा कि ये वस्तुएं किस तरह से तैयार होती हैं, हमारे काम में आती हैं? इन वस्तुओं को तैयार करने वाले सामग्री कहां से प्राप्त की जाती है, आइए जानें। शिवप्रतापति, वर्तमान समय में खनिज किसी भी देश के लिए बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह खनिज पदार्थ धरातल पर तथा धरातल के नीचे मिलते हैं। क्या आप जानते हैं खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? प्रश्न होता है, ये खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? ये वस्तुएं जो खोदकर धरातल से निकाली जाती हैं, उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। जहां धरातल से खोदकर खनिज को निकाला जाता है, उसे खान कहते हैं। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है, उन्हें अयस्क कहते हैं, ORE। अपने कभी मिट्टी के खड्डों, पहाड़ों, नदियों में बालू आदि को खोदते देखा है? आपने गांधी जी का डांडी मार्च नमक आंदोलन के विषय में सुना है या पढ़ा होगा? यह नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है, किंतु त्योहारों पर खाने वाला सेंधा नमक हमें धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार चाकू, पेचकस, साइकिल, चारा मशीन बनाने वाली लौह अयस्क खनिज भी धरातल से प्राप्त होते हैं। ये पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक होता है और नंबर दो आध्यात्मिक। धात्विक जो होते हैं वो लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम होते हैं, और जो आध्यात्मिक होते हैं वे कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटास ये कहलाते हैं। इसमें आप एक चित्र देख रहे होंगे भारत का, ये भारत का चित्र मैप जो है, इसमें दिखाया गया है महत्वपूर्ण खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं। जैसे अजमेर है, यहाँ बेवर, कटनी, कालीघाट, नागपुर, ये सभी जो स्थान हैं ये खनिज पदार्थों के मिलने के स्थान हैं। कहाँ कहाँ इसमें लौह अयस्क मिलते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर खनिज अयस्क मिलते हैं, लौह अयस्क। ये क्षेत्र है चंद्रपुर, कोटपुर, कोलापुर, अमरकंटक से नीचे थोड़ा सा, ये सारा क्षेत्र जो है इसमें दुर्ग है, चंद्रपुर है, गलाडीला है। इसी प्रकार अभी भारत में इस जगह पर भी खनिज अयस्क खनिज पदार्थ मिलते हैं, ये गोवा रत्नागिरी के पास वाले क्षेत्र में, यहाँ पर भी लौह अयस्क मिलते हैं।
इन चीज़ों को इस मैप में आप देखेंगे, आगे कोई प्रश्न बताएंगे उसमें आपका ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा। इसमें कुछ स्थानों का जिक्र है जहाँ पर अभी हमने बोला था कहाँ कहाँ पर लौह अयस्क मिलते हैं। तो लोहा झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, यहाँ पर ये मिलते हैं। इसका आर्थिक महत्व है, हर प्रकार की मशीनरी, कलकर कारखानों में कलपुर्जे का निर्माण किया जाता है, उद्योग इसी पर निर्भर होता है, हमारा भारतीय उद्योग जो है वो इसी पर निर्भर होता है। और तांबा राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर मिलते हैं। और बिजली के तार, मुद्राएं, बर्तन, मशीनों के कलपुर्जे बनाने के काम तांबे का प्रयोग होता है। एल्युमिनियम बॉक्साइड ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में ये खनिज मिलते हैं और इनका उपयोग होता है वायुयान बनाने में, बिजली के तार बनाने में इनका प्रयोग होता है एल्युमिनियम का। मैगनीज मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहाँ पर मिलते हैं। इस्पात से बनने वाली चीज़ें, ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणुनाशक दवाएं, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस, शुष्क बैटरीज, कांच का सामान, इन चीज़ों से इस खनिज से प्राप्त होता है। ऐसे ही सोना है जो कि कर्नाटक के कोलार जिले में सर्वाधिक पाया जाता हो, जो झारखंड इसके अलावा, तो यहाँ पर सोना मिलता है। सोने की कीमत आप जानते ही बहुत महत्वपूर्ण है, आज हमारे देश में क्या पूरे विश्व में सोने का एक अलग ही स्थान है। यह वस्तु मूल्यवान है, यह आभूषण बनाने के काम आती है और मुद्रा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जस्ता जो कि राजस्थान में मिलता है, बर्तनों, बैटरियों और छपाई के लिए प्रयुक्त होता है। लोहे की चादरें जंग लगने से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है जस्ते का। राजस्थान यानी उदयपुर में चांदी हमें प्राप्त होती है और आभूषण बनाने के काम आती है, इसका भी आभूषणों में प्रयोग किया जाता है। धात्विक पदार्थ, ये धात्विक पदार्थ जैसे लोहा, लोहा धातु आपके विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। जैसे लोहा धातु अन्य पदार्थों से मिली रहती है तब ये इसे लोह अयस्क आयरन ऑयल कहते हैं। इसे ऊष्मा के प्रयोग द्वारा भी अयस्क से अलग कर लोह धातु के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। लोह धातु को इसकी मजबूती के आधार पर मैग्नेटाइट, हेमाटाइट और लिमोनाइट और सीडेटाइट, इस प्रकार से इनको बांटा जाता है कि अलग अलग क्षेत्र में इसको प्रयोग किया जाता है। विश्व का लगभग एक चौथाई लोह अयस्क भंडार भारत में ही है। कर्नाटक, झारखंड तथा उड़ीसा उत्तम किस्म के लोह भंडारकों में से हैं। ये राज्य मिलकर भारत का अधिकांश लोह अयस्क का उत्पादन करते हैं। हमारे देश से लोहा विदेशों को भेजा जाता है जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और इसे मंगाने वाले देशों में चीन, जापान, उत्तरी ये दक्षिण कोरिया, हांगकांग और पाकिस्तान इसमें शामिल हैं। इन देशों में ये लोहा की काफ़ी खपत होती है। इसके अलावा बॉक्साइड एल्युमिनियम का बर्तन बनाने में काम आता है। यह बर्तन जिस अयस्क के द्वारा बनाया जाता है उसे बॉक्साइड कहते हैं। बॉक्साइड खानों से निकाला जाता है, इसे शुद्ध करके उच्च ताप पर गलाया जाता है। बॉक्साइड को गलाकर शुद्ध एल्युमिनियम छानकर अलग किया जाता है। यह एल्युमिनियम अपने हल्केपन और मजबूती, लोचदार चमक होने के कारण विविध प्रकार के लिए हमारे उपयोगी हैं, जैसे वायुयान, विद्युत तार, मशीनों, कलपुर्जे, फर्नीचर, वाहन तथा बर्तन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीज यह एक महत्वपूर्ण खनिज है, इसका उपयोग लोह अयस्क, स्टील बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर और शुष्क बैटरी, चमड़ा, सीसा, माचिस आदि के उद्योगों में काम आता है। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों से देश का अधिकांश मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। कुल उत्पादक का लगभग एक चौथाई मैग्नीज भारत, मैग्नीज जापान, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदि देश को भारत निर्यात
किया जाता है भारत से। अत्यधिक खनिज पदार्थ, आप यह प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला आदि का नाम जानते होंगे जो जलाने के अलावा अन्य प्रकार की उपयोगी जैसे गैस सहायता से जोड़ाई कार्य इत्यादि होता है। यह अत्यधिक खनिज पदार्थ है। इसमें अत्यधिक खनिज पदार्थों में जैसे खनिज हैं हमारे अभ्रक, संगमरमर, नमक, चूना पत्थर, हीरा। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? जैसे नमक मिलता है हमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सेंधा नमक मिलता है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में। और यह जीव जंतु के भोज्य पदार्थों और रासायनिक प्रक्रिया में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अभ्रक आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में मिलता है। और बिजली के उपकरण, तार, वायुयान, कंप्यूटर, लालटेन की चिमनियाँ और चश्मों, उच्च ताप की भट्टियों आदि के निर्माण में काम लिया जाता है इसका। मध्य प्रदेश, ये संगमरमर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्राप्त होता है। सुंदर और कीमती मूर्तियों, इमारतों के निर्माण में भी काम आता है ये। इसके अलावा चूना पत्थर राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से हमें प्राप्त होता है। और सीमेंट उत्पादन, लौह अयस्क, इस्पात, उर्वरक एवं रसायन उद्योगों में उपयोग किया जाता है। ऐसे ही हीरा है, यह भी बहुमूल्य धातु है। हीरा मध्य प्रदेश में पन्ना, और यह कीमती पत्थर है, आभूषणों और औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक, आपने होली या अन्य त्योहारों में अबीर गुलाल के साथ अत्यंत हल्का चमकीला सफ़ेद, हरा, काला तथा हल्का गुलाबी रंगों में पदार्थ देखा होगा। तो ये चमकीला हल्का रंगीन पदार्थ होता है, अभ्रक है। विश्व में हमारा भारत सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो इस प्रकार से आज हमने ये पाठ आपको पढ़ाया, और इस पाठ को आपने सुना और समझा भी है। और इसके कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न अभी हम कल कराएंगे। इसके प्रश्नों को कोशिश कीजिए अपने आप कुछ खोजने की इस पाठ में। जैसे खनिज किसे कहते हैं, लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। भारत में मैंगनीज के दो सबसे प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए, है ना। ये कुछ रिक्त स्थान है, और इनको इस प्रकार से अपने ढूंढने का प्रयास कीजिए इस चैप्टर में से। तो बाकी हम इसकी एक PDF भेजेंगे, और PDF से आप इन प्रश्नों को कर लेंगे। आज का काम इतना ही। धन्यवाद।